हेलो फ्रेंड, बिजी होम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो घर घर में होली पर ठंडाई बनाई जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा कटोरी बादाम, एक चम्मच खसखस, एक चम्मच खरबूजे के बीज, एक चम्मच तरबूजे के बीज, थोड़े से मुनक्का, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से रोज पेटल, दो इलायची फ्लेवर के लिए और दो चम्मच सौंफ ली है। एक गिलास पानी डालकर इसको ओवरनाइट हम सोक करने के लिए रख देंगे। तो देखिए, एक रात हमको इसको सोक किए हुए हो गया है, तो हमारे ये नट्स अच्छे से फूल गए हैं। तो बारी है अब उनको पीसने की। तो एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें इसको डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट तैयार हो गया है, इसको हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। इसको छानने से क्या होगा कि इसमें जो भी रफली पार्ट रह जाएगा वो ऊपर निकल जाएगा और ठंडाई पीने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो सारी ठंडाई इसी तरह छान लेंगे और जो मिक्सी जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा था पानी डालकर इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नट्स गले हुए हैं। तो ये देखिए, हम इसको डालकर अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड, इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। अगर आप चाहें तो इसमें मिश्री भी डाल सकती हैं और चाहे अपने मीठा अपने अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1.5 ग्लास हम इसमें दूध ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बारी है अब इसको सर्व करने की। अगर आप इसको ऐसे ही पीना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं, और ठंडा करके पीना चाहते हैं तो थोड़ी बर्फ़ डाल लें। तो मैंने ग्लास में 4-5 आइस क्यूब डाले हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं ठंडाई। तो फ्रेंड, गर्मियों के मौसम में ठंडाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही एनर्जी फुल होती है। तो आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट कर करके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ता, थोड़े से रोज़ पेटल और केसर के दाने डालकर इसको डेकोरेट कर लिया है। तो हमारी स्पेशल ठंडाई तैयार है। आप इस होली पर इसको ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इस एनर्जी फुल ड्रिंक को ज़रूर बनाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Thank you.